सही में क्या हम लोग आजाद है, क्या हमारे दिमाग आजाद है? अनुसूचित जाति की परिवार की एक बच्ची पर इस देश के पुजारी नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मिशन की आवाज, मैं भूपेंद्र सिंह सोनवाल। दोस्तों आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के परपोते राजरत्न अम्बेडकर जी ने लैब आकर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया। जी हाँ, क्या हम आज़ाद भारत में आज भी आज़ाद हैं क्या? जी हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार जातिगत छुआछूत जैसी भेदभाव जैसी घटनाएं देखने को मिलती है। तो आज का सवाल उनका यही है। उन्होंने कई रिजर्वेशन को लेकर इत्यादि कई घटनाओं और कई बातों को लेकर उन्होंने लावा कर कहा, सुना आप राजरत्न अम्बेडकर जी। एक तरफ आज नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री लाल किले से भाषण कर रहे हैं, भाषण करते हैं, 100 लाख करोड़ रुपए का पैकेज जाहिर करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा पिछले कोरोना के लॉकडाउन में भी इन्होंने इतने ही बड़े रकम की पैकेज अनाउंस किया था, 10 लाख करोड़। अब एक जीरो और बढ़ा दिया है, अब हो गया है 100 लाख करोड़। यानी इसमें जीरोस कितने होंगे ये भी आप लोग देखिए। इस देश की लोकसंख्या 132 करोड़ है, 132 करोड़ देशवासियों के लिए 100 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। अब ये पैकेज 132 करोड़ लोगों को मिलता है या इस देश में बसे 7 परिवारों को मिलता है, ये भी देखने की जरूरत है। इस देश के प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ का भी नारा दिया है और बेटियों के लिए सैनिक स्कूल खोलने के लिए भी उन्होंने आज अपने भाषण में बात कही है। तो बेटियों के सैनिक स्कूल के दाखिले के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन उन्हीं के नाक के नीचे दिल्ली में ही, अभी मैं दिल्ली से ही 2 दिन पहले दिल्ली में था, दिल्ली कैंट में जो मिलिट्री का क्षेत्र है, कैंटोनमेंट एरिया है, जहां पर पुलिस का क्षेत्र भी नहीं होता, मिलिट्री का क्षेत्र होता है, उस मिलिट्री के क्षेत्र में भी एक अनुसूचित जाति की परिवार की एक बच्ची पर इस देश के पुजारी बलात्कार करते हैं, और बलात्कार ही नहीं करते तो उसको जला भी देते हैं। देखिए, एक तरफ बलात्कार कर रहे हैं पुजारी और काटने की भाषा हो रही है मुल्लों की। यानी किस देश में, किस देश के लोगों का माइंडसेट में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं कि बलात्कार पुजारी कर रहे हैं और काटने की भाषा मुल्लों की जा रही है। तो इसलिए मैंने कहा कि सही में क्या हम लोग आजाद है, क्या हमारे दिमाग आजाद है, क्या हम लोगों की सोच आजाद है? यानी केवल इस देश को एक में तो ये सारे मुद्दे में रख रहा था। पिछले मंगलवार को ओबीसी बिल संसद में पास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन 127th अमेंडमेंट एक्ट जिसे कहा जाएगा, ये बिल पास हुआ है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, यानी जब देश आजाद हुआ था तब कुछ गिने चुने जातियां ये बैकवर्ड क्लास हुआ करती थी, कुछ गिनी चुनी जातियों को बैकवर्ड यानी पिछड़ा ये उनको उपाधि दी गई थी। और आज जब मैं ये न्यूज पढ़ रहा था तो इस देश के 75% लोग, 75% लोग अब बैकवर्ड के लिस्ट में आ चुके हैं। तो देखिए, 75 साल में हमने इतनी प्रगति की है कि इस देश का 75% वर्ग अब हमने पिछड़ा बना दिया है, उनकी स्थिति हमने इतनी बेहतर बना दी है कि अब वो 75% के लोग अब बैकवर्ड क्लास में गिने जाएंगे। अब शेड्यूल कास्ट की आप प्रगति करने के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाह रहे थे, एसटी की प्रगति करने के लिए रिजर्वेशन देना चाह रहे थे। यहां महाराष्ट्र में वॉरियर कास्ट हुआ करती थी, जिनके पास 100-100 एकड़ जमीन हुआ करती थी, जिनके खेत हुआ करते थे, महाराष्ट्र जैसा राज्य आज तक उन्हीं के हाथों में है, सीएम उन्हीं के है, अब वो भी रिजर्वेशन मांगने के लिए रास्तों के ऊपर आ चुके हैं। ये है 75 सालों की प्रगति। इस प्रगति में गांधी परिवार भी उतना ही हिस्सेदार है जितना इस देश का फिलहाल
अभी मौजूदा प्रधानमंत्री। इसलिए मैं गांधी मोदी को अलग नहीं मानता, ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, एक ही सिक्के के दो बाजू है। मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूं, 75 इयर्स का ऑडिट इस देश के लोगों को करना चाहिए। 1947 में जब इस देश की तिजोरी में कुछ भी नहीं था और आज 2021 में हमारी परिस्थिति में कितना बदलाव हुआ है। जो वॉरियर क्लास हुआ करते थे, आज वो बैकवर्ड्स के लिस्ट में आने के लिए झगड़ा कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से मराठा कम्युनिटी रास्तों के ऊपर एक एक दो दो लाख के संख्या में उतर कर ये मांग कर रही है कि हमको बैकवर्ड का दर्जा दिया जाए। इससे इस देश की शोकांतिका और क्या हो सकती है। इस देश की व्यवस्था गांधी परिवार से लेकर मोदी और अमित शाह तक हो, ये सभी लोग सिर्फ 7 परिवारों के लिए काम कर रहे हैं। इस देश की आजादी जो हुई, ब्रिटिशर्स चले गए और इन 7 परिवारों के लिए एक गवर्नमेंट को ये सारी ताकतें देकर गए। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये सारे आज इस देश का जीडीपी जब -23 पर जा रहा है, तब ये फैमिलीज वर्ल्ड की सबसे अमीर फैमिलीज बन रही है। सोचो, एक तरफ देश खाई में जा रहा है लेकिन ये 7 परिवार ऊपर ऊपर जा रहे हैं, वर्ल्ड में ऊपर जा रहे हैं। तो सोचिए किस तरह के माहौल में हम जी रहे हैं। 100 लाख करोड़ का पैकेज, 10 लाख करोड़ का पैकेज, ये किसको बेवकूफ बनाने का काम इस देश में चल रहा है। और इसलिए हम लोग ये आज सिर्फ भावनिक आधार पर कि हाँ 15 अगस्त आ गया, 26 जनवरी आ गया और हाथ में तिरंगा लेकर हम रास्तों के ऊपर आ रहे हैं, हमारी बच्चियों को बलात्कार किया जा रहा है, हमारी नौकरियां खत्म हो रही है, हमारे साधन संसाधन कम होते जा रहे हैं, ये सब भी हम लोगों को खुद, मुझे मेरी बातों को जाति एंगल से, धर्म एंगल से मत देखो। अगर मेरी बातों में कहीं पर भी गलत इंफॉर्मेशन है या कहीं पर भी मैं झूठ बता रहा हूं तो उसका खंडन कीजिए। हाँ, ये बाबा साहब के परिवार का है इसलिए मोदी के खिलाफ ही बात करेगा, ये गांधी के खिलाफ ही बात करेगा, इस भावना से मेरी बात को मत सुनिए। मैं इंटेलेक्चुअल लोगों से कहना चाहूंगा कि इसके ऊपर आप लोग विचार कीजिए, डिबेट कीजिए। आज आप लोग कह रहे हो कि ओबीसी को रिजर्वेशन देंगे। अब 127th अमेंडमेंट बिल आप लोगों ने पास कर लिया। 2 दिन पहले पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा गया, क्या रिजर्वेशन प्राइवेटाइज सेक्टर में लागू होगा? पार्लियामेंट ने जवाब दिया है कि रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में लागू नहीं होगा। एक तरफ आप ओबीसी को और बाकी के जातियां जो रिजर्वेशन के लिए लड़ रही है उनको रिजर्वेशन का गाजर दिखा रहे हो, और जहां पर रिजर्वेशन लागू होता है वो बेच रहे हो। बताओ मुझे, ये रिजर्वेशन का बिल कहां पास करने वाले हो, कहां लागू होने वाला है? जहां पर सरकारी नौकरियां हैं वो नौकरियां तो तुम प्राइवेटाइज कर रहे हो, जहां पर सरकारी स्कूलें हैं वो सरकारी स्कूलें तो प्राइवेटाइज करके अडानी अंबानी को दे रहे हो, तो ये रिजर्वेशन लागू कहां होने वाला है? क्या मोदी जी के बंगले पर ये सारे लोग काम करने आएंगे, पढ़ने के लिए आएंगे, कहां आने वाले हैं? या संघ के कार्यालय नागपुर में आने वाले हैं? और इसलिए ये रिजर्वेशन का बिल पास तो कर रहे हैं लेकिन इसका इंप्लीमेंटेशन जब होगा तब ये सीटें कहां दोगे आप, तब ये सीटें कहां लाओगे? और इसलिए हम लोगों को ये बात भी सोचना है कि किस तरह से ये हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं और किस तरह से ये इस देश में हम लोगों को जैसे ही इलेक्शंस आती है, जैसे ही 15 अगस्त आती है, बस लाल किले पे चढ़ना है और बड़ी बड़ी बातें फेंक कर आना है, बड़ी बड़ी बातें फेंक कर आना है, और बस यही काम होते आ रहा है। 10 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया, 16 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया और हम लोगों के हाथों में 1 रुपया तक नहीं आता। और इसलिए हम लोग आज 75th इंडिपेंडेंस डे के अवसर पर मैं भारत के सभी देशवासियों को ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ, क्या 75 सालों में जो 75 साल पहले हमारी अवस्था हुआ करती थी, उस समय हमारी संपत्ति क्या हुआ करती होगी? हमारी भेड़ होगी, बकरियां होंगी, जमीनें होंगी, खेत होंगे,
क्या आज उतना भी हमारे हाथ में है? आज एक भेड़ लेने जाओ 50,000 रुपए की होगी, एक भेड़ बकरी गाय लेने जाओ 50,000 रुपए का एक यूनिट का खर्चा होगा, एक एकड़ जमीन उस समय की, क्या आज हमारे पास एक कुछ स्क्वायर फीट तक भी जमीन हमारे पास नहीं रही? और इसलिए आज मैं सभी इंटेलेक्चुअल्स को ये मुद्दा दे रहा हूं, ये टॉपिक दे रहा हूं कि क्या 75 इयर्स में इस देश की व्यवस्था जिनके हाथों में गई थी 1952 से लेकर 2019 तक, जिनके हाथों में इस देश की सरकारें हैं, क्या इन सरकारों ने इस देश के लोगों के प्रति, वी द पीपल, हम इस देश की जनता के प्रति क्या इन्होंने न्याय किया है? इन्होंने सिर्फ 7 परिवारों का जो आय है, इनकम है, प्रॉपर्टी है, लैंड्स है, यही बढ़ाने का काम किया है। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं देश में जिन जिन महापुरुषों ने हमारे आजादी के लिए लड़ाई लड़ी उनको नमन करता हूं। उनके बलिदान का, उनके त्याग का हम आज याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। और इस 75th इंडिपेंडेंस डे के एनिवर्सरी पे मैं बधाई देता हूं। और इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए भी हम लोगों को आगे आना होगा। बिना लोकतंत्र का आजाद देश आपके किसी काम का नहीं होगा। बिना लोकतंत्र का आजाद देश ये फैसिस्ट देश कहलाएगा, ये पूंजीवादियों के हाथ में चला जाएगा। आज राकेश टिकैत जी जैसे लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए दिन रात गाजीपुर बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। आज 80 साल की बिल्किस बानो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए सर्दी, खांसी, धूप ये सारा सहन करके वो रास्तों पर बैठती है। क्यों? तो इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए। और जब तक इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हजारों बिल्किस बानो और लाखों राकेश टिकैत तैयार नहीं होते, तब तक इस देश का लोकतंत्र नहीं बच पाएगा। इसलिए इस देश के लोकतंत्र को बचाने वाले लोगों का होना जरूरी है, आवश्यकता है, यही मैं कहूंगा। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आभार। जाते जाते फिर से आप लोगों को भारत देश के 75वें आजादी के एनिवर्सरी के ढेर सारी मंगल कामनाएं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। दोस्तों आपकी क्या राय है इस सवाल पर, इसका जवाब आपका क्या होगा, कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं। दिखते रहिए मिशन के साथ में भूपेंद्र सिंह सोनवाल। जय भीम, जय भारत, जय सभ्यता।